देखिए 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट है, अभी 1:44 हो रहा है, आप देख सकते हैं 1:44, लगभग 4-5 मिनट से हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, 4-5 मिनट से यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, और जो है कि अभी 1:44 समय हो रहा है, मतलब कि 1:40 तक वीडियो बनाना स्टार्ट किए, ये लोग बता रहे हैं कि 1:30 तक हम पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे हमको अंदर नहीं जाने दे रहा, नहीं खुलेगा तो फान के घुसेंगे हम लोग, हाँ फान के घुसने वाले, नहीं खोलेंगे ये लोग तो आप लोग फान के घुसेंगे, एग्जाम देना है तो देना है, आप लोग जो है कि टाइम से आके और चीटिंग के चक्कर में जो है कि कुछ पेपर आ जाए इसके चक्कर में हुआ, दूर तो नहीं खड़ी थी ना आप लोग, दूर तो नहीं दूर नहीं ना खड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आपकी छोटी बहन की तरह ये लोग है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेंगी, 1-2 साल लेट हो जाएगा, ऐसे बताइए कहाँ की ये लोग रहेंगी, ये लोग बोल रहे हैं कि 1-2 मिनट के लिए मात्र हम लोग लेट हुए, गेट बंद कर दिया गया, तो क्या है कुछ तो होंगे ना इस विद्यालय का, तो कोई आइए आखिर बात करिए, कोई यहाँ पे तो आना चाहिए ना सर, आपकी लड़की भी आई है, हाँ हमारी यहाँ से आए हैं हम, हरपुर जयपुर से आए हैं, बताइए यहाँ से जो है कि कम से कम 25 किलोमीटर दूर होगा, 25-30 किलोमीटर वो दूर होगा गांव, और बताइए यहाँ पे टाइम पे कोई कैसे पहुँचे, 2 मिनट लेट ही हो जाएगा तो क्या होगा, 10 बजे घर से निकले हैं, पढ़ने से अपनी बच्ची को लेकर, ये बताइए आप सारी लोग हैं, आप लोग जो है कि टाइम से आके और चीटिंग के चक्कर में जो है कि कुछ पेपर आ जाए इसके चक्कर में हुआ, दूर तो नहीं खड़ी थी ना नहीं। आप लोग दूर तो नहीं दूर नहीं ना खड़ी थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये लोग आई है समय पे, 1-2 मिनट लेट शायद से हो गई होंगी, लेकिन इनको नहीं घुसने दिया गया है, स्कूल वाले जब इनको अपना टाइमिंग कहते हैं रूल रेगुलेशन पता है तो बस निकाले सारे कैंडिडेट के घर में बस अपने दे सुविधा, तब तो बच्चे टाइमिंग से पहुंचेंगे, जब हम 1:40 में भी आगे हार्डली पहुंचे, 2:15 तक बच्चों को एंट्री देना चाहिए, कभी कोई बच्चे रास्ते में किसी कारणवश फंस सकते हैं, फिर भी लोगों के टीचर का यही रिस्पॉन्स है, हर साल हमारे बच्चे 10-15 बच्चे हर साल इनके वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, 10-15 क्या सैकड़ों में होगा, आज एक दिन में 30 से 40 बच्चियों का जिंदगी बर्बाद हो गया, सुबह में 25-30 लड़कियां थी और यहाँ भी लगभग 10 लड़कियां होंगी, सेकंड शिफ्ट में भी 10 लड़कियां लगभग होंगी, लड़कियों को एम्बुलेंस मेडिकल के लिए लेके गया, उसका रिस्पॉन्स कौन लेगा, ये टीचर ले रही है रिस्पॉन्स, क्या बोली 1:30 बोली है ना, 1:30 टीचर, 1:30 हमारे हैं यहाँ पे, 1:30 में घड़ी के देखे हम यहाँ पे गेट बखा रहे हैं, फिर क्यों नहीं एंट्री करने, तो मेरे को बताइए तो थोड़ा, आप पूछो बुलाइए जो, हम भी पूछो उनसे, 1:30 देखो हम घड़ी के देखे हम यहाँ खड़े हैं, और फिर भी आपको एंट्री नहीं, एंट्री नहीं करने दी लोग, तो आपका आपके सवालों का जवाब भी नहीं, सवाल बुलाइए जाए, हम भी तो उनसे पूछे, उनके बच्चे रखो के चली गई, फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी का चली गई कि वो हां ये घुस में ही आ गया, वो उसे नहीं पता, वो पूछ जाएगा बहुत बड़ा नहीं है, बोलती कि नहीं बोलती, एग्जाम कर रही है कि अप्रैल में फिर से होगा, अप्रैल में कुछ नहीं होगा, बस नौटंकी किया जाएगा, कुछ लोग एग्जाम अप्रैल में नहीं होगा, फ्यूचर पर फ्यूचर मेरा बर्बाद होगा, तो वो बनाने आएगी लेडीज, वो आएगी टीम बनाने, अब बताइए कि आप लोग क्या 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 कीजिएगा, नहीं नहीं जबरदस्ती जाएंगे क्या करेंगे, इन लोग का भविष्य बर्बाद होगा, 2 साल बताइए, देखिए घर घर की जो है कि अभिभावक भी आई हुई है, सदस्य घर की आई हुई है, ये लोग खुद रो रहे हैं, तैयारी अच्छा से हुआ था बहन का, अच्छे से पढ़ रही थी, दिन रात पढ़ रही थी, अच्छा एग्जाम लाए, बताइए ये लोग तो सब पे पानी फेर दिया, सब पे पानी फेर दिया, जबकि लड़की सब टाइम से बोल रही है कि हम आ गए हैं, फिर भी नहीं नहीं देख सकते हैं, अब 2 बज गया, इन लोगों का नहीं एग्जाम होगा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अपने आप को आग लगा देंगे, एग्जाम नहीं देने देगा ये लोग तो, हाँ आग लगा देंगे, एग्जाम नहीं देने देगा ये लोग तो, टाइम लेट पहुंचे, हम टाइम से आए थे, फिर भी नहीं घुसने, नहीं फिर भी नहीं घुसने दिया, स्कूल का इस विद्यालय का जो है अपना एक मनमानी है, हाँ ये लोग का मनमानी कर रहा है, मन के जो मन में आएगा वो करेंगे, जो मन में आएगा वो बच्चों के बाहर निकाल देंगे, जो मन करेगा वो दरवाजा दे देंगे, हम बच्चों को अंदर घुसने नहीं देंगे, टाइम से आने पर भी, बताइए ये लड़कियां हैं और इतनी सारी लड़कियों का भविष्य एकदम बर्बाद, स्वाहा स्वाहा हो गया, ये संत मैरी जो उच्च विद्यालय है जो है कि इन सारी 10 लड़कियों का भविष्य जो है कि बर्बाद कर दिया, दूसरा शिफ्ट में इन लोगों का जो है कि इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, दूसरा शिफ्ट है ये, और किस प्रकार से जो है कि इन लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया, और ये हर एक बार का हर एक साल का हर एक एग्जाम का इस विद्यालय का यही एक उदाहरण है, ये कम से कम एक एग्जाम में सैकड़ों बच्चियों का भविष्य बर्बाद करता है ये विद्यालय, भविष्य बर्बाद करता है, सरकार से आग्रह करेंगे, शिक्षा विभाग से आग्रह करेंगे कि सेंट्रल प्राइवेट स्कूलों में ना दिया जाए, सरकारी विद्यालयों में दिया जाएगा तो ये समस्या नहीं आएगा, सही बोले ना, हाँ सर, हम लोग प्राइवेट की वजह से हम लोग क्लास में अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं मैम लोग,
थोड़ा सा सिर्फ कारण है ये प्राइवेट विद्यालय है तो ये लोग अपना मनमानी चला रहे हैं और किसी का सुनने वाले नहीं है, डीएम का भी सुनने वाले नहीं। बक्सर जिला के डीएम साहब अंशुल अग्रवाल जी आपसे बोलना चाहते हैं, आप सुबह यहाँ पे उपस्थित भी थे, देखे किस प्रकार से बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो रहा था आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने। एक मिनट सोचिए, मानते हैं दो मिनट ये लड़कियां लेट भी हो जाती है, लेकिन क्या ट्रैफिक जो है कि फंस गई ट्रैफिक में तो दो मिनट लेट हो गई तो इसका मतलब ये कि ये जो है ताला नहीं खुलेगा, फाटक नहीं खुलेगा। और वही पहला दिन है आज, इतना तो कम से कम दो चार मिनट ये लोग लेट आते हैं तो छोड़ना चाहिए। नहीं बना है कि एग्जाम देने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक सकती है बच्चों को, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इस स्कूल में? क्या डीएम का भी पावर कोई चीज इनके टीचर के आगे कुछ भी नहीं है? कोई उनका पावर काम नहीं कर रहा है कि जब कर रहा है तभी ना, तभी नहीं है। टीचर की मनमानी इतना चलेगा, किसी चीज में फंसा हुआ हम लोग भी बहुत दूर दूर से तीन तीन चार चार घंटे पहले अपने घर से निकल कर अपने बच्ची को छोड़ने इसी वजह से है। क्या जब आप लेके आई है ये अपने बच्ची को एग्जाम दिलाने के लिए लेके आई इस उम्मीद में कि मेरी बच्ची एग्जाम देगी फर्स्ट आएगी फिर जो है जॉब के लिए अप्लाई करेगी, और बताइए इनकी लड़की का एग्जाम छूट गया, एग्जाम छूट गया कहाँ करेगी? लेकिन ऐसे स्कूल के टीचर या स्कूल में कभी भी सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में किसी भी क्लास के बच्चों का एग्जाम सेंटर नहीं दिया जाए, नहीं दिया जाए सेंटर। खुद से ही करना पड़ेगा, कैसे करें बच्चे? या ताला तोड़ दे इसलिए गेट बंद कर जाए तो भी एग्जाम रूम में अगर आप देते हैं तो बच्चों को एक घंटा के लिए भी सिर्फ समय दिए, जो बच्चे जितना भी हो सके उतना मेहनत किया अपना, उस मेहनत का उसमें परिणाम उनको मिल जाना चाहिए।